ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगा आज, देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने लिया है ये चिकन, मैं इसको कट करेंगे छोटा छोटा करके। तो मीट को थोड़ा लंबा करके काटेंगे ताकि उसको देखने में कुरकुरे जैसे ही लगे। अभी मैंने सब मीट को ऐसा काट के लिया है, अभी इसको मैं मैरिनेट करूँगा। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिल्ली पाउडर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक जिंजर पेस्ट, और इसमें एक अंडा डालेंगे। अभी इसको अच्छा से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक हम रखेंगे उसको। अच्छा से मिक्स हो चुका है, अभी इसको साइड में रखेंगे। अभी इसको 15-20 मिनट के लिए रखेंगे। अभी कुरकुरे को अच्छा से क्रश करेंगे। लगता है हो गया, अभी चेक करता हूँ मैं। अभी ये अच्छा से क्रश हो चुका है। हो चुका है मीट, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हुआ कुरकुरे। अभी इसको फ्राई करेंगे। इसको थर्ड करेंगे। ये मेरा चिकन कुरकुरे रेडी हो चुका है, इसको निकालेंगे। फ्राई हो चुका है अच्छा से। मेरा कुरकुरे चिकन रेडी है। रेडी है अभी। अब इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं भी ट्राई करता हूँ कैसे हुआ। यहाँ प्योरली कुरकुरे का जो फ्लेवर है वही मिलेगा आपको। आप लोग भी ट्राई ट्राई कर सकता है, बहुत टेस्टी है। एक्चुअली कुरकुरे फ्लेवर मिलेगा आपको।